यहाँ पर मैंने सारे अकाउंट्स की एंट्री कर दी है, ईच एंड एवरी एंट्री, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की कर दी है, तो आप वीडियो पॉज करके भी एंट्री कर सकते हो। यहाँ पर मैंने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। यहाँ पर बैलेंस शीट ये चार चीजें बनाई हुई है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस दिया गया था, इसलिए हमने ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया है। तो यहाँ पर सारी एंट्रीज कर दी है, तो यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड यू हैव टू कॉपी डाउन दैट सम कि कौन सी कहाँ पर एंट्री हुई है। फिर हम एडजस्टमेंट की एंट्री करते हैं, तो जस्ट यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड यू हैव टू एंटर द ऑल द एंट्रीज। यहाँ पर एडजस्टमेंट के अंदर लीज होल्ड प्रॉपर्टी दिया था, लीज होल्ड प्रॉपर्टी हमने एडजस्टमेंट में कैलकुलेट किया था 60,000 पर। लीज होल्ड प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लिखते हैं और इसके अंदर माइनस राइट ऑफ 6,000। जो भी एडजस्टमेंट होते हैं, एडजस्टमेंट की जहाँ जहाँ पर एडजस्टमेंट होते हैं उसके अमाउंट अंदर इनर कॉलम में लिखी जाती है, उसके बाद कैलकुलेशन करके आउटर कॉलम अमाउंट डिडक्ट करके आउटर कॉलम में रखा गया है। इसकी दो इफेक्ट, हर एक एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट आती है। दूसरी इफेक्ट यहाँ पर होगी टू राइट ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग 6,000 अमाउंट था, और दूसरा जो एडजस्टमेंट है लोन ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा की लोन जो हम भूल गए थे इंटरेस्ट देना, तो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ब्रैकेट में ब्रह्मा, और लोन अमाउंट थी 2,250, तो वो लिखेंगे 2,250। एक इफेक्ट यहाँ पर आई है और दूसरे इफेक्ट यहाँ पर होगी टू इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट थी 2,250। फिर एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 6% इन मशीनरी, मशीनरी पर डेप्रिसिएशन 6% हमने काउंट किया था 3,000। आउटर कॉलम में रखेंगे अमाउंट 47,000 और फर्नीचर पर, फर्नीचर एंड फिक्सचर पर डेप्रिसिएशन 1,000, 20% का डेप्रिसिएशन, आउटर कॉलम में 4,000 आएगा अमाउंट, ये भी डिडक्ट करेंगे और ये डेप्रिसिएशन की इफेक्ट यहाँ पर आएगी टू डेप्रिसिएशन। फर्स्ट है मशीनरी और फर्नीचर, मशीनरी का अमाउंट है 3,000 और फर्नीचर का 1,000, टोटल हो गया 4,000। आफ्टर कॉलम में टोटल डेप्रिसिएशन, फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया राइट ऑफ 500 वेंडर ऑन डेटर्स, यहाँ पर डेटर्स की इनर कॉलम में है, माइनस करेंगे बैड डेट एडजस्टमेंट 500 अमाउंट 39,500 आएगा, वो भी आउटर कॉलम में, दूसरी इफेक्ट 500 की यहाँ पर बैड डेट माइनस बैड डेट एडजस्टमेंट 500 और ये अमाउंट जो है वो आउटर कॉलम में आएगी, सॉरी यहाँ पर प्लस होगी एडजस्टमेंट की, वहां पर सब्ट्रैक्शन होता है डेटर्स का, यहाँ पर प्लस होता है बैड डेट के अंदर, और टोटल 1,700 आउटर कॉलम में ये टोटल अमाउंट ऑफ बैड डेट हुआ। देन आफ्टर एनुअल सैलरी ऑफ 500 एंड 400 पेएबल टू ब्रह्मा एंड विष्णु रिस्पेक्टिवली, सैलरी यहाँ पर दिया गया ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा और विष्णु का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पर जाएगा, बिजनेस पार्टनर्स को देते हैं इसीलिए 5,000 एंड 4,000, 5,000
4000 9000 आउटर कॉलम में, देन आफ्टरवर्ड्स कमीशन 500 इज रिसीवेबल, मीन्स अभी तक रिसीव नहीं हुआ है रिसीवेबल, तो दैट इज ऑफ आउटस्टैंडिंग कमीशन. यहाँ पर होगा 500 टोटल अमाउंट इज ऑफ आउटसाइड. Then afterwards, outstanding salary, salary यहाँ पर है, plus outstanding salary कितना है 3000, total हुआ 10500. जिम्मेदारी है हमारी outstanding salary. Amount is 3000. सारी एंट्रीज हो गए हैं. अब दिस कमीशन आउटस्टैंडिंग कमीशन रिसीवेबल बाकी था वो 500. तो ये सारे हो गए हैं. अब इनका टोटल करेंगे, सबका टोटल करना रहेगा. यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट का टोटल करना है पहले पहले. ओके, यहाँ पर हमने टोटल कर लिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल करना है. प्रॉफिट एंड लॉस में इस साइड का टोटल हो रहा है 1,650,000 और यहाँ का टोटल कम हो रहा है, तो यहाँ का जो भी अमाउंट होता है वो सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे 1,650,000 में से, तो अमाउंट आता है 68,750. तो ये हमारा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन. ये जो बैलेंस रहता है वो हम यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं. ओके, और यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये हुआ हमारा नेट प्रॉफिट 68,750. ये 68,750 है वो यहाँ पर प्लेसमेंट किया है. अब इस साइड पर टोटल करते हैं और डिडक्ट करते हैं ये अमाउंट, तो हमें मिला 59,750. 59,750 है उसको 3:2 में डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा और विष्णु का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2. तो यहाँ पर 3:2 में ये अमाउंट को 59,750 को डिवाइड किया है, मीन्स हरेक को इतना इतना पोर्शन में अमाउंट मिलेगा. फिर ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसमिट किया है. ओके, तो ये जो अमाउंट है दैट हैव टू बी ट्रांसमिटेड 35,850 और 29,23,900. ओके, तो यहाँ पर ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में टोटल करेंगे तो दोनों साइड का टोटल आएगा, तो डिफरेंस यहाँ पर रहेगा. ये जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज कॉल्ड द बैलेंस कैरी फॉरवर्ड. पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सारे इनकम एक्सपेंसेस जो लिखे जाते हैं उसके बाद जो भी अमाउंट बचती है दैट इज कॉल्ड द बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और वो जाता है बैलेंस शीट के अंदर. बैलेंस शीट के अंदर ये सारे अमाउंट जो है वो कैपिटल अकाउंट ब्रह्मा और विष्णु ये दोनों की अमाउंट जो है वो टोटल रखते हैं आउटर कॉलम में. अब सारे बैलेंस शीट के अंदर सारे इफेक्ट दिए हैं, तो ये साइड दैट इज ऑफ लायबिलिटी साइड और असेट साइड दोनों साइड का टोटल करना रहेगा. सिर्फ और सिर्फ टोटल सेम होना चाहिए, दैट इज ऑफ आइडेंटिटी का टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड और असेट साइड. तो यहाँ पर हमारा टोटल आ रहा है 2,44,000 और यहाँ पर भी 2,44,000 आ रहा है. सो दिस इज योर लेसन, दिस इज योर लेसन नंबर 2 का 8 नंबर सम हुआ है, आपको नोटबुक में सॉल्व करना रहेगा.